दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबियां कबाइल की कुर्बानियों से मुमकिन हुई। इलाके में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात की जनूबी वजीरिस्तान दौरे पर अमायदीन से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक कबायली अमायदीन का अमन की बहाली पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। सिक्योरिटी फोर्सेज को मुकम्मल हिमायत का यकीन भी दिलाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि करप्शन के खिलाफ खड़े होने वाले को माइनस किया जा रहा है। 1100 अरब की करप्शन केसेस तरमीम करके नैब दायरा कार से बाहर कर दिए। शहबाज शरीफ पर 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा फर्द जुर्म के बगैर बंद हुआ। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बाहर फायरिंग के वाके में गिरफ्तार मुलजिम को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। तातील के बायस मुलजिम सोले मोहम्मद सवाती की ड्यूटी जज के सामने पेशी होगी। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद जमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। अदालती कार्रवाई में महफूज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। डेंगू के मार थम न सके, वफाकी दारुलहुकूमत में मजीद 77 अफराद मोहलिक बुखार का शिकार। मुतासर मरीजों की तादाद 4272 तक पहुंच गई।